नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नील है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काइनमास्टर कैसे यूज़ करते हैं। और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे काइनमास्टर को यूज़ करते हैं। पहले प्ले स्टोर में जाइए, फिर काइनमास्टर डालिए। तो अब काइनमास्टर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर दिया है, तो आप इंस्टॉल कीजिए। और हम जाएंगे अभी काइनमास्टर में। काइनमास्टर आ गया है तो उसमें दो चीज़ें होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एम्प्टी प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट असिस्टेंट में जाएंगे। जैसे कि अभी मैं डालूँगा ब्रेव बॉयज, टाइटल है ब्रेव बॉयज। और अभी आपका फ़ोटो डाल सकते हैं या कुछ वीडियो भी डाल सकते हैं। मैं अभी ये डाल दूँगा। फिर टेक्स्ट थी, फिर सेकंड स्टेप है थीम। आप थीम कौन सा भी ले सकते हैं, ऑन स्टेज, स्क्रीन, ट्रैवल। और हम ऑन स्टेज लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है टेक्स्ट ओपनिंग। हम ओपनिंग ब्रेव करेंगे। नेक्स्ट बॉयज करेंगे। ये है मिडल और एंडिंग होगा। एंडिंग आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं, चलता है। डन कीजिए। बैकग्राउंड ऑडियो, हम ये सब इफेक्ट्स रहते हैं, SFX एसेट्स रहते हैं। आप सॉन्ग्स भी डाल सकते हैं, पर अभी मैं डालूँगा फोल्डर्स में डाउनलोड शेप ऑफ यू सॉन्ग डाल देंगे। यहाँ पे प्लस साइन आएगा, वो प्लस साइन डाल के आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये वीडियो शुरू हो जाएगा। आप ये प्लस दबाएं, आपका ये ब्रेव यहाँ पे ओपनिंग होगा। ब्रेव बॉयज क्यों नहीं आया, क्योंकि हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं और फोटोज़ भी डाल सकते हैं। तो और फोटोज डालने के लिए मीडिया में जाओ। मीडिया में जाने के बाद हम डालेंगे माय, जो मैंने किया है वो। ये है एक एफ जो हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं, क्रैक ग्लास, 3D फ्लिप, 3D जूम फ्लिप, बोन्सी बॉक्स। हम डालेंगे ग्लास, क्रैक ग्लास, ठीक है। क्रैक ग्लास डालेंगे, ये क्रैक ग्लास आ गया। तो हम यहाँ से करेक्ट कीजिए और बैक जाइए। ये ब्रेव बॉयज आपका आ गया, ये आपका इतना आ गया। तो आप लेयर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मीडिया, FX, ओवरले, हैंडराइटिंग, टेक्स्ट। हैंडराइटिंग में बहुत सारे ये है। आपको डिलीट करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए और डिलीट का ऑप्शन लेफ्ट साइड में आएगा। तो मीडिया में आप और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि और बेल होगा, बेल ये सब उसके ऊपर। जैसे हम छोटा करेंगे इसको, डिलीट कर दीजिए। तो ये इतना मेथड आप सीख लो, तो आप आगे का मेथड मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा।